हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड लाइफस्टाइल में। तो आज बनाते हैं बढ़िया सी बनारसी छोटी कचौड़ी और चना की सब्जी। तो कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक थाली में मैदा ले लिया है। मैदा को लगभग मैंने 2 कटोरी लिया है, तो ये 2 कटोरी मैदा हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी लगभग 1 कटोरी सूजी, महीन वाली सूजी मैंने ली है। और इस तरह से मैदा 2 कटोरी, सूजी 1 कटोरी ली है। साथ ही साथ अब डाल देंगे लगभग आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक इस तरह से डाल दिया है। और साथ ही साथ 1 चम्मच में डालूंगी इसमें कुकिंग ऑयल। इस तरह से डालने के बाद अब मैं हाथों से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूंगी। तो इस तरह से सारी चीज़ों को, नमक, बेकिंग पाउडर, ऑयल, मैदा और सूजी को हाथों से इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है। और जितने अच्छे से मिक्स होगा सारी चीज़ें आपस में अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो अब मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी मैंने गुनगुना लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल के इसका एक बढ़िया सा सॉफ्ट डो बना लेते हैं। तो डो मेरा बिल्कुल देखिए कितना सॉफ्ट सा रेडी हो गया है। इसको कवर लगा के रख देते हैं। अब इसके लिए एक स्टफिंग बनाते हैं। उसके लिए चढ़ा दिया है पैन में 1 चम्मच ऑयल, उसमें डाल दिया आधा चम्मच सरसों के दाने और साथ ही साथ थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, लगभग आधा इंच अदरक का था, 1 हरी मिर्च डाल के इसको थोड़ा सा पहले भून लेते हैं। तो इस तरह से मैंने भून लिया है। अब उबले हुए आलू लिए थे, लगभग 3 से 4 उबले आलू हैं, हाथों से इस तरह से अच्छे से मैश करके वो मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक, लगभग 1 चम्मच डाला है क्योंकि मैंने डो में भी डाला था, इसलिए इसमें कम डालेंगे। साथ ही साथ आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी डालती है मैंने इसमें लाल मिर्च। और डालने के बाद सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी इस तरह से दबाते हुए, ताकि जो आलू हैं थोड़े खड़े वो इस तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। तो बढ़िया सा देखिए ये मिक्स हो गया है। और आलू को इसमें थोड़ा भूनना है, तो जितना अच्छा ये भूनेगा ना, सोंधापन आलू का उसमें आ जाएगा। तो ये बढ़िया सा भून गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया की पत्ती। और डालने के बाद फिर से मैं सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से इस पर भून लूँगी। तो देखिए इस तरह से लगभग 1.5 से 2 मिनट लगा और इनमें ये आलू बढ़िया सा भून के रेडी हो गया है। तो ये आलू मैं अब साइड में रख देती हूँ, गैस को बंद कर देंगे और इसको अच्छे से स्टफिंग को ठंडा हो जाने देते हैं। स्टफिंग मेरी ठंडी हो गई है, डो मेरा बिल्कुल रेडी है। अब हाथों से इस तरह से थोड़ी छोटी लोई लेंगे, बहुत बड़ी नहीं लेनी है, मुझको रोटी के साइज़ की मुझे लेनी है। और इस तरह से लेने के बाद मुझे इसका 1 कटोरी नुमा बना लेना है इस तरह से। और इसके बाद मैं आलू को ले लेती हूँ, थोड़ा अच्छे से आलू ले लेंगे और इसके अंदर भर लेंगे। और भरने के बाद इस तरह से पूरों मैं अच्छे से बंद कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। और सारा मैं इसी तरह से बना के रख लेती हूँ। अब चढ़ा दिया है मैंने गैस पे ऑयल, ऑयल मेरा मीडियम आंच पे अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं सारे कचौरियों को इसमें डाल के अच्छे से तलेंगे। बिल्कुल धीमी आँच में तलना है ताकि अंदर से ये अच्छे से पक जाए। तो बिल्कुल धीमी धीमी आँच में मैं सारे कचौरियों को डाल देती हूँ। और डालने के बाद मैं इन सबको अच्छे से बिल्कुल सुनहरा होने तक, कुरकुरा होने तक ये मैं इसको फ्राई करूंगी। तो देखिए अच्छे से मेरा ये पकना शुरू हो गया है, कलर कितना बढ़िया आ गया है बिल्कुल धीमी धीमी आंच में। ये बहुत ही बढ़िया लगता है गाइस ये कचौरी सब्जी। बनारस में तो आप हर गली हर स्ट्रीट में आप इसको पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ये यहाँ का फेमस है। तो इस तरह से मैं सारी कचौरियों को अच्छे से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो अब इसके बाद मैं बनाती हूँ इसके साथ एक सब्जी। उसके लिए ले लिया था मैंने चना, और चना को रात भर भिंगा के सुबह थोड़े से नमक डाल के उबाल लिया है। तो देखिए कितने अच्छे से उबल गया है। साथ ही साथ मैंने लिया है 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट के, थोड़ा सा पनीर लिया है और 3-4 आलू ले लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आलूओं को इस तरह से हाथों से मैं तोड़ूंगी। इसको मैश नहीं करना है, न काटना है, बिल्कुल हाथों से इस तरह से तोड़ लेना है। तो देखिए सारे आलूओं को मैंने तोड़ लिया है। और अब मैं
इस तरह से सब तोड़ के रख ली हूँ। गैस पे चढ़ा देते हैं एक पैन और उसमें डाल देते हैं ऑयल, लगभग एक बड़ा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है। और इसके बाद डाल दिया है आधा चम्मच जीरा, जीरे को अच्छे से क्रैक होने देते हैं। साथ ही साथ अब डाल देंगे एक चम्मच हींग। हींग डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि जो हींग की खुशबू है वो अच्छे से ऑयल में पक जाए। तो देखिए बन गया है। अब मैं डाल दूंगी इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही साथ इसमें इसको भूनते हैं। देखिए बढ़िया सा भून गया है। और अब डालूंगी मैं हरी मिर्च जो बारीक काट के रखी थी और साथ ही साथ डाल देंगे अदरक। इसको भी डालने के बाद मैं भून लेती हूँ। देखिए बढ़िया सा ये भून गया है। अब गैस को मैं बिल्कुल स्लो कर देते हैं। अब स्लो गैस पे मैं सबसे पहले इसमें कुछ मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच डाल दिया है मैंने लाल मिर्च का पाउडर और ये थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है। साथ ही साथ डाला है आधा चम्मच गरम मसाला, लगभग आधा चम्मच इसमें डाला है आमचूर पाउडर, थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें चाट मसाला। और डालने के बाद सारी चीज़ों को मैं अच्छे से भूनूंगी धीमी आंच में। जितना अच्छा ये भुनेगा खुशबू फ्लेवर उतना ही बढ़िया आएगा। तो ये भुन गया है और अब मैं डाल दूंगी जो आलू को तोड़ के रखी थी वो डाल देंगे। डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इसी में भून लेती हूँ। देखिए इस तरह से बहुत मैच नहीं करना है, इसे मुझे खड़ा ही रखना है। और डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और भूनने के बाद अब मैं इसमें इसको जो चनों को बॉयल करके रखी थी वो मैं इसमें ऐड करूंगी। तो गैस को अभी बिल्कुल स्लो रखना है और चनों को इसमें इस तरह से मैंने डाल दिया है। डालने के बाद फिर से मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। गैस को अब मीडियम कर लेते हैं और थोड़ा सा मुझे भूनना है, ज़्यादा नहीं, बस इस तरह से ये भून गया है। और इसके बाद अब मैं डाल दूंगी इसमें जो मैं पानी रखी थी चने का जो बॉयल की थी जिसमें, वो डालना है। पानी बहुत नहीं डालना है, बस इसको मुझे लटपटा ही बनता है ये, तो मुझे थोड़ा ही पानी डालना है, लगभग ये आधा कटोरी है, इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद फिर से मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ। तो बस इस तरह से इतना ही ये थिक बनेगा। और इसके बाद अच्छे से इसमें बॉयल आने देते हैं। बॉयल देखिए कितना बढ़िया सा आ गया है, देखिए कितनी बढ़िया सी सब्जी लग रही है। इस टाइम पे जो मैंने पनीर था उसको छोटे क्यूब्स में काट लिया है वो इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद थोड़ा सा इसको चलाते हैं। इसका जो पनीर का कच्चा पैन है ना वो सब्जी में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस तरह से डाल के मैं इसको चला लेती हूँ। और अब डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियों को। और डालने के बाद मैं इसको इसी में थोड़ी देर छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो गाइज ये मेरी बढ़िया सी चटपटी चने आलू की सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको गरम गरम सर्व करते हैं कचौरियों के साथ, प्याज और धनिया की चटनी के साथ। गाइज ये बहुत ही बढ़िया सी है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चने आलू की सब्जी और कचौड़ी आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।